मित्रों एक बार फिर दिल्ली वर्सेस लखनऊ के महामुकाबले में टिस्टन स्टार को कप्तान, वहीं दोस्तों अख्तर खान को वाइस कैप्टन बना करके दोस्तों स्मॉल लीग में अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया, जहां दोस्तों ग्रैंड लीग में भी लाखों रुपए विन किया, आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। दोस्तों लगातार दोस्तों हम हमारे कप्तान क्यों पछते हुए नजर आते हैं आप लोगों को बताते हैं। ये संपूर्ण कार्य ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से हो रहा है। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे बागेश्वर धाम सरकार की जय। और जिन जिन भाइयों एवं बहनों को बागेश्वर धाम में अर्जी लगवानी हो, अपना नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में आगे बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिए। राजस्थान वर्सेस पंजाब के मुकाबले में दोस्तों आपको बताएंगे किस खिलाड़ी को कप्तान बना करके चलना है और कहां पर आप गलती करते आप ग्रैंड लीग मिस कर जाते। संपूर्ण जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से मिल रही है। दोस्तों आओ चलते हैं, आपको सबसे पहले हम प्रूफ दिखा देते हैं किस प्रकार से दोस्तों हमने ग्रैंड लीग को दोस्तों और स्मॉल लीग को उल्टा क्लैन स्वीप किया। आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों हमारी दोस्तों जीटी की टीम रही। दोस्तों यहां पर ये देखिए ड्रीम टीम रही 982 पॉइंट, जहां टिस्टन स्टार दोस्तों कप्तान, वहीं पर दोस्तों यहां पर देखिएगा अख्तर खान दोस्तों वाइस कैप्टन बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों आप लोग। और दोस्तों हम अपनी टीम पर भी दिखाते हैं क्या दोस्तों यही खिलाड़ी कप्तान बने। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये रही हमारी टीम, जहां पर टिस्टन स्टार से दोस्तों देखिएगा कप्तान, और वहीं पर दोस्तों देखिएगा वाइस कप्तान भी खान जी वाइस कप्तान भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पूरी जानकारी दी है इसी टीम से दोस्तों हमने लाखों रुपए विन किया है। अब दोस्तों भारी है आप लोगों को दोस्तों एक दोस्तों पूरी जानकारी बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से मिलेगी और दोस्तों यहाँ ज्योतिष विद्या द्वारा संपूर्ण जानकारी मिलेगी। एक खिलाड़ी की बात करेंगे, एक खिलाड़ी की राशि बताएंगे, एक खिलाड़ी का नक्षत्र बताएंगे, एक खिलाड़ी का राशि, एक खिलाड़ी का गढ़ और एक खिलाड़ी की नाड़ी बताने वाले। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों। कप्तान का जो गणित होता है, क्योंकि यूनिक टीम आप चाहे जितनी अच्छी बना ले, पर दोस्तों आपके अगर कप्तान नहीं फंसे तो दोस्तों सब बेकार है। यूट्यूब में बहुत सारे महारथी अपने आप को दोस्तों 150-150 करोड़ का विनर बताते हैं, पर दोस्तों कोई ऐसा नहीं है जो कप्तान को डेली दोस्तों आपको डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रहा हो। पर दोस्तों ये एक ऐसा चैनल है जहां पर दोस्तों आपको डेली दोस्तों कप्तान का डेडिकेटेड मिलता है, और दोस्तों जिसके गिरफ्त में कप्तान आ गए तो लाखों करोड़ों वही कमा सकता है। और तो दोस्तों सब झूठ है, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और दोस्तों एक खिलाड़ी के विषय में जानकारी देंगे, राज के माध्यम से देंगे। राजस्थान वर्सेस पंजाब का महामुकाबला है। राजस्थान आप लोग जानते हो कि अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, और दोस्तों कल दिल्ली का मुकाबला जीत जाने से लखनऊ से राजस्थान दोस्तों बिना खेले हुए क्वालिफाई पर पहुंच चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही लाजवाब, और पंजाब दोस्तों यहां पर क्वालिफाइड से हार चुकी है, बाहर हो चुकी है, बहुत ही दोस्तों मुकाबला है। राजस्थान के लिए कुछ प्लस पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि केकेआर दोस्तों 19 पॉइंट के साथ दोस्तों टॉप पर है। अगर राजस्थान आज का मैच जीत जाती है तो दोस्तों इसके भी कुछ आगे पॉइंट बढ़ेंगे। अगर आगे दोस्तों ये नंबर एक पर आ जाएगी तो इसको दोस्तों यहां पर फाइनल जीतना थोड़ा सा सरल हो जाएगा। आज चलते हैं दोस्तों एक खिलाड़ी की चर्चा कर लेते हैं। एक खिलाड़ी का दोस्तों आप लोगों को सिलेक्शन परसेंट सामने है, कप्तान का सिलेक्शन परसेंट है, वाइस कैप्टन का सिलेक्शन परसेंट भी आपके सामने दिया है। पूरी दोस्तों यहां पर मेहनत करके हम दोस्तों आप लोगों को कप्तान देते हैं, और 100% दोस्तों हमारी टीम के कप्तान फंसते हुए दिखाई देते हैं। आपको रिकॉर्ड देखना है, हमारा पूरा प्रूफ देखना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर और चैनल के अबाउट सेक्शन पर मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पूरी जानकारी आपको मिलेगी, कप्तान किस प्रकार से फंसाना है दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, कहां पर आप गलती करते हैं और आपकी रैंक आते रुक जाती है, कहां कप्तान में आपको क्या करना है, टीम बनाने में आप लोगों को कहां पर गलती करना है। सबसे पहले दोस्तों इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आपको गलती भी बताएंगे कि क्या क्या गलती यार नहीं करेंगे, आज किसको कप्तान बनाना है, बैटिंग सेक्शन में किसको बनाना है, ऑलराउंडर सेक्शन में किसको बना सकते हैं, वही बॉलिंग सेक्शन पर आज किसका सुभियोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कप्तान बनने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा राजस्थान चलते हैं। राजस्थान के दोस्तों सबसे पहले संजू सैमसन को देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन परसेंट कितना हाई है, 95.20 सिलेक्शन परसेंट है, 34% तकरीबन लोग कप्तान, वही 11% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बना करके चल रहे हैं दोस्तों संजू सैमसन को। ये देखिए अल्टरनेट पोजिशन पर दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं, ये टीम पर आ रहे हैं, एक मैच में दोस्तों ड्रीम टीम पर आए, एक मैच में ड्रीम टीम फ्लैप हो रहे हैं। इस बार दोस्तों आपको बताते हैं ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आपको बताते हैं ये कुंभ राशि
इतिहास के जातक है। सत्वी का नक्षत्र राजस प्रवृत्ति है। ज्योतिष आंकड़े के द्वारा राजस्थान अगर सेकंड बैटिंग करती है तो ये कप्तान बनने के दावेदार दिखाई दे रहे हैं। अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो इन्हें कप्तान बिल्कुल मत बनाना, ये ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आपको बताया जा रहा है। इसके बाद अगले क्रम पर दोस्तों चलते हैं तो अगले क्रम पर दोस्तों प्रभु सिमरन सिंह आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इनका सिलेक्शन परसेंट 35.10 है, 1.25% लोग कप्तान, वही 1.75% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बना रहे हैं। प्रभु सिमरन सिंह को आप लोग जानते होंगे, ये भी दोस्तों अल्टरनेट पोजीशन पर दोस्तों ड्यूटी पर आते नजर आते हैं और ये कन्या राशि के जातक है। और कन्या राशि के खिलाड़ियों की बात करते हैं इसके ऊपर स्टार चमक रहे हैं और दोस्तों शनि जो कुंडली मार करके बैठा था वो बिल्कुल हट चुका है। आज इनका सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सेकंड पारी में बैटिंग करने का मौका मिले तो इनको भी लेकर के जाना, 100% सफलता देने वाले हैं दोस्तों। और कप्तान बल्कि इनको मत बनाना दोस्तों, यहाँ पर अगर मल्टीपल टीम बना करके चलना तभी बना सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ जाते हैं बैट्समैन बहुत ही लाजवाब यशस्वी जायसवाल, जिनका सिलेक्शन परसेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 91.63, 91.63, 14.48% लोग कप्तान, वही 9.10% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बना करके चल रहे हैं रियान परक को। पिछले दो मैचों से इनका रिकॉर्ड देखिए, चेन्नई के खिलाफ 33 पॉइंट और डीसी के खिलाफ 9 पॉइंट दिए। पिछले दो मैच से लगातार प्राप्त रहे दोस्तों यशस्वी जायसवाल, पिछले दो मैचों से 24 रन 4 रन बनाए, उसके पहले एसआरएल के खिलाफ इन्होंने 67 रन की भी शानदार पारी खेली है दोस्तों। तो लाजवाब योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों आप लोगों को कप्तान बनाना है या नहीं बनाना, हाँ बनाना है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक है और ज्येष्ठा नक्षत्र पर कब बनाना है, जब दोस्तों यहां पर ज्योतिष आंकड़े के द्वारा इनका शुभ योग दोस्तों पहली पारी में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों राजस्थान पहली पारी में बैटिंग करती नजर आए तो दोस्तों बेहिचक दोस्तों यशस्वी जायसवाल को आज कप्तान या उपकप्तान बना देना, 100% दोस्तों आपको सफलता मिलने वाली है। या रहा दोस्तों कप्तान उपकप्तान के लिए यशस्वी जायसवाल के लिए, अब दोस्तों अगले क्रम पर दोस्तों आ जाते हैं रियान पराग, बहुत ही सुंदर दोस्तों ऑलराउंडर है दोस्तों, राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले, आज राजस्थान को इस मुकाम पर पहुंचाने का श्रेय दोस्तों रियान पराग को भी जाता है। बहुत ही अच्छी दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग का नमूना पेश किया है। पिछले मैच में भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से 77 पॉइंट अर्जित किए चेन्नई के खिलाफ, आप लोगों ने देखा बहुत ही लाजवाब तरीके से 47 रन की पारी खेली है, उसके पहले डीसी के खिलाफ इन्होंने 27 रन की और एसआरएच के खिलाफ दोस्तों 77 रन की पारी खेली थी, आप लोग देखा होगा, फिर भी मैच दोस्तों अपनी पारी को नहीं जिता पाए चेन्नई के खिलाफ दोस्तों आपको बताते। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को देखते हैं रियान पराग दोस्तों तुला राशि के जातक है और तुला राशि का जो शुभ योग हो चित्रा नक्षत्र है, अगर पहली पारी में बैटिंग करने का मौका मिलता है तो अच्छी पारी खेल सकते हैं, कप्तान कप्तान बना सकते हैं। 95% लोग अपनी टीम पर ले रहे हैं, 14.30% लोग कप्तान, 15.63% लोग इन्हें वाइस कैप्टन भी बना करके चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इनका सुंदर योग पहली पारी में दिखाई देता नजर आता है। अब इसके बाद दोस्तों आर अश्विन की बात कर लेते हैं, यह भी तुला राशि के खिलाड़ी है और दोस्तों आज आर अश्विन को और रियान पराग को जरूर लेकर के जाना, क्योंकि बुधवार है आज मैच होने वाला है, इन्हें कप्तान कप्तान बनाने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। तुला राशि के जातक का चित्रा नक्षत्र है, उनका राशि भी बुध और शुक्र है, बुध और शुक्र दोस्तों दूसरे नंबर पर विराजमान है और सेकंड पारी में मैच होना है, तो इन दोनों खिलाड़ी का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। आर अश्विन का रिकॉर्ड देख सकते हैं, 52.80% सिलेक्शन परसेंट है, 1.08% लोग कप्तान, वहीं 2.24% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बनाकर के चल रहे हैं। अब दोस्तों अगले क्रम पर दोस्तों आ जाते हैं यजविंदर चहल, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है, वृश्चिक राशि के जातक है और दोस्तों लगातार फ्लॉप हो जा रही है, पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ 1 विकेट लेकर के दोस्तों ये थोड़ी सी आशा बंधाई है दोस्तों यहाँ पर यजविंदर चहल ने, और दोस्तों उसके पहले दोस्तों डीसी के खिलाफ विकेट नहीं मिला, एसआरएच के खिलाफ विकेट नहीं मिला, ये आपको जानकारी लही है। यजविंदर चहल देखिए 65.26% सिलेक्शन परसेंट, 0.87% लोग कप्तान, वही 1.65% लोग वाइस कैप्टन बना करके चल रहे हैं। ज्योतिष आंकड़े के द्वारा इन्हें पहली पारी में अगर बॉलिंग करने का मौका मिलता है तो दोस्तों इन्हें आप लोग कप्तान कप्तान भी बना सकते हैं। ये रहे दोस्तों यहां पर राजस्थान के टॉप 6 खिलाड़ी जो 99% लोग कप्तान कप्तान बना करके चले। अब चलते हैं दोस्तों पंजाब के खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं, किसको कप्तान और किसको वाइस कैप्टन बना करके चलना है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है वो भी ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से, क्योंकि आप लोग जानते होंगे ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और हमारी और आपकी क्या औकात है, आपके सामने जो दो शब्द हम बोल पा रहे हैं यह भी दोस्तों ईश्वर की मर्जी का ही प्रसाद है। सबसे पहले नंबर पर जानी बिरस्टो आ जाते हैं, कौन से आ जाते हैं, जानी बिरस्टो के विषय में जानकारी करना बहुत ही सरल है। देखिएगा दोस्तों ये लगातार 4 मैचों का रिकॉर्ड आपके सामने है और लगातार 4 मैचों में 3 बार दोस्तों ये ड्यूटी पर आ चुके हैं जानी बिरस्टो, 27 रन 7 रन 46 रन की शानदार पारी खेली है, सिलेक्शन
57% देखिए 78.60, वहाँ 5.60% लोग कप्तान, वहीं 7.08% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। दोस्तों एक खिलाड़ी मकर राशि के जातक है और मकर राशि का जो सूर्य होता है वो बिल्कुल सिद्ध पर चमकता है, स्टार भी चमक रहे हैं और राहु केतु उनके सामने से हट चुके हैं। अगर दोस्तों इनको कप्तान कप्तान बनाने का मूड आपका है, आपके दिल में बस चुके हैं, तो दोस्तों अगर सेकंड पारी में नहीं फर्स्ट पारी में नहीं बैटिंग करने का मौका मिले तो बना देना, बेहिचक बना देना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर सेकंड पारी में मौका मिले तो अपनी टीम पर ले सकते हैं, पर दोस्तों कप्तान कप्तान ना बनाना। आप दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं अगले क्रम पर, दोस्तों यहाँ पर नंबर आ जाता है शशांक सिंह का, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है, हर मैच में जीटी पर आना इनका स्वाभाविक खेल सा बन चुका है। और दोस्तों सिलेक्शन परसेंट देखिएगा 83.10 है, 2.47% लोग कप्तान, 4.85% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बना करके चल रहे हैं। पिछले 4 मैचों का रिकॉर्ड आपके सामने, जहां 3 बार जीटी पर आ चुके हैं, देखिए आरसीबी के खिलाफ 67 पॉइंट, वहीं चेन्नई के खिलाफ 32 पॉइंट और केकेआर के खिलाफ 104 पॉइंट ले आए शशांक सिंह। पिछले मैचों का रिकॉर्ड 3 मैचों का 37 रन 27 रन और 25 रन बनाए, ये अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पा रहे हैं और दोस्तों एक भी शतक भी नहीं लगाया। और दोस्तों इनकी आज दोस्तों कप्तान कप्तान बनने की उम्मीद है, पर ज्योतिष आंकड़े के द्वारा अगर बताएं, अगर सेकंड पारी में दोस्तों अगर दोस्तों पंजाब को बैटिंग करने का मौका मिलता है तब दोस्तों इनको बेचक दोस्तों कप्तान कप्तान बना लेना, अन्यथा दोस्तों आप लोग इनको ड्राफ्ट करके जा सकते हैं। कप्तान कप्तान की बात करते हो, टीम से ड्राफ्ट करने की यहां पर चर्चा नहीं चल रही दोस्तों, यहां पर दोस्तों कप्तान कप्तान की केवल चर्चा कर रहे हैं। अगले क्रम पर दोस्तों बैट्समैन आ जाते हैं रिली रोसो, दोस्तों पिछले मैच में बहुत ही शानदार पारी खेली है, सिलेक्शन परसेंट इसलिए बढ़ा है, 61% लोग दोस्तों इन्हें अपनी टीम पर ले रहे हैं और दोस्तों 2.83% लोग कप्तान, 4.66% लोग उन्हें वाइस कैप्टन बना रहे हैं। पिछले मैच में दोस्तों आरसीबी के खिलाफ 61 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली, आप लोगों ने देखा बहुत ही शानदार पारी खेली थी रिली रोसो ने, फिर भी दोस्तों अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए दोस्तों रिली रोसो, आप लोगों ने देखा होगा। यहां पर देखिएगा दोस्तों ये भी खिलाड़ी तुला राशि के जातक है और चित्रा नक्षत्र है और बुध और शुक्र इनका राशि है, तो इस खिलाड़ी का भी सुंदर योग बन रहा है, पर पंजाब अगर पहले बैटिंग कर रही है तो दोस्तों इन्हें कप्तान कप्तान भी बना करके जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर खिलाड़ी आज उभर कर आने वाला है। यहां पर आप लोगों को रिली रोसो के विषय में जानकारी मिल चुकी होगी। अब ऑलराउंडर खिलाड़ी दोस्तों यहां पर आप लोगों को सैम करन के विषय में जानकारी देते हैं। सैम करन आप लोग जानते होंगे कुंभ राशि के जातक है और दोस्तों पिछले 3 मैचों से लगातार दोस्तों डीटी पर आ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन परसेंट देखिए 93.87 है, 10.88% लोग कप्तान, 24.68% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बना करके चल रहे हैं। और दोस्तों इस खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, ये कुंभ राशि का जातक है, सत्विका नक्षत्र राक्षस प्रोत्सन की छाया नाड़ी आदि है, सेकंड पारी में ज्योतिष आंकड़े के द्वारा अच्छा योग बन रहा है, पर दोस्तों आप लोगों को ये रिस्की हो सकता है, रिस्की हो सकता है, बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से हम आपको बता रहे हैं, ये खिलाड़ी बिल्कुल रिस्की हो सकता है। अगर तुमको एक टीम बना करके चलना है तो इसको ड्रॉप कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आप लोग मल्टीपल टीम बना करके चलते तभी इस खिलाड़ी को लेकर के जा सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप लोग इसको ड्रॉप करके जाएं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर दोस्तों सैम करन के विषय में जानकारी कर चुके हैं। आप दोस्तों अगले क्रम पर दोस्तों हर्षल पटेल के विषय में जानकारी करते हैं, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी, पिछले 2 मैचों से लगातार दोस्तों 3-3 विकेट झटके और कप्तान कप्तान भी बने, आप लोग देख सकते हैं चेन्नई के खिलाफ 124 पॉइंट, वहीं दोस्तों आरसीबी के खिलाफ 99 पॉइंट दिए, लाजवाब खिलाड़ी दोस्तों हर्षल पटेल। और मिथुन राशि के जातक है, किस राशि के जातक है, मिथुन राशि के जातक है और दोस्तों इनका जो नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र का शुभ योग ज्योतिष आंकड़े के द्वारा सेकंड पारी में बॉलिंग पे बहुत अच्छा दिखाई देता है, 85.90% सिलेक्शन परसेंट है, 4.20% लोग कप्तान, 7.28% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बना करके चल रहे हैं। अब अगले क्रम पर बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर अगले क्रम पर बात करते हैं तो दोस्तों अर्शदीप सिंह आ जाते हैं, जो मेघ राशि के जातक है, आप लोग जानते होंगे मेघ राशि के जातक है और पिछले मैचों में इनका भी शुभ योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, देखिएगा पिछले मैच में दोस्तों आरसीबी के खिलाफ ये 28 पॉइंट लगा करके भी डीटी पर नहीं आए, मात्र 1 विकेट मिला था और डीटी पर नहीं, उसके पहले दोस्तों चेन्नई के खिलाफ 2 विकेट और दोस्तों चेन्नई के खिलाफ 1 विकेट और दोस्तों केकेआर के खिलाफ भी 2 विकेट झटके थे और लगातार डीटी पर आ रहे हैं। मेघ राशि के जातक रोहिणी नक्षत्र है तो पहली पारी में भी दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के द्वारा इनका शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के द्वारा संपूर्ण दोस्तों खिलाड़ियों के विषय में जानकारी दिया। अब दोस्तों आपको बताते हैं आप कहां पर गलती करते हैं और आपकी रैंक आते आते रुक जाती है। दोस्तों आप लोगों को एक बात करना है, आप लोगों को तो एक बात जरूर करना है कि आप लोगों को कप्तान कप्तान का रिपीटेशन नहीं करना, रिपीट जो खिलाड़ी पिछले मैच में कप्तान कप्तान बनकर के आ रहा है उस खिलाड़ी को रिपीट नहीं करना, ये क्योंकि आईपीएल 2024 में कभी नहीं हुआ कि लगातार 2 बार एक ही खिलाड़ी दोस्तों कप्तान कप्तान बन गया, आप लोगों को रिपीट नहीं करना। दोस्तों यहाँ पर पिछले मैच में रियान पराग जैसे बन के आए हैं और दोस्तों रिली रोसो बन करके आए, स्वयं करन बन करके आए, इन खिलाड़ी को एक बार दोस्तों आप लोग ड्रॉप करके चलना, रिस्की प्लेयर लेकर के चलना,
आप लोगों ने देखा होगा कल का मैच डीसी वर्सेस दोस्तों लखनऊ के खिलाफ, जो खिलाड़ी दोस्तों कभी भी दोस्तों आगे नहीं बढ़ा वो खिलाड़ी दोस्तों आए, चार चार खिलाड़ी विकेट कीपर सेक्शन पर, शाही होप जैसे खिलाड़ी दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन पर डीटी पर आ गए। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को करना है, और दोस्तों कप्तान अगर हाईएस्ट रन परसेंट का बनाना है तो वाइस कप्तान लोएस्ट सिलेक्शन परसेंट का बनाना है। आप लोगों ने कल भी देखा होगा किस प्रकार से दोस्तों टिस्टन स्टाफ दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट के खिलाड़ी थे जो कप्तान बने, और दोस्तों एक बॉलर दोस्तों अख्तर खान था दोस्तों, वो दोस्तों यहाँ पर लोएस्ट सिलेक्शन परसेंट का खिलाड़ी जो वाइस कैप्टन बनकर के आया, आप लोगों ने देखा होगा। और वही तीसरे क्रम पर दोस्तों ईशांत कर्मा थे, वो भी दोस्तों लोएस्ट सिलेक्शन परसेंट के खिलाड़ी थे। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को नहीं करना, आप लोगों को यह ध्यान देना है, और यह ध्यान देना कि हम क्या विकेट कीपर सेक्शन से या बॉलिंग बैटिंग सेक्शन से, ऑलराउंडर सेक्शन से या बॉलिंग सेक्शन से कप्तान कप्तान बनाने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोग बैटिंग सेक्शन से कप्तान कप्तान बनाने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को एक बात ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो 70 प्लस रन बना सकता है। इसमें दोस्तों आप लोग कहेंगे कि ये कैसा होता है, हम कैसे जाने, तो दोस्तों यह दिमाग लगाइए, पिच अगर बैटिंग होगी तो चार पांच खिलाड़ी शुरुआत के ही दोस्तों ऐसा कारनामा कर सकते हैं, पांचवें छठवें नंबर के खिलाड़ी ऐसा कारनामा दोस्तों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों उन्हें बहुत ही ज्यादा बाले नहीं खेलने को मौका मिलेगा। तो इस क्रम पर दोस्तों अगर बैटिंग सेक्शन पर देखना है तो जो खिलाड़ी 70 प्लस रन कब से कम बना सकता है वही कप्तान कप्तान बनने का हकदार है, जिसमें दोस्तों संजू सैमसन है, दोस्तों प्रभ सिमरन सिंह है, और यशस्वी जायसवाल है। राजस्थान के तरफ से तीन बैट्समैन आते हैं, और इधर जॉनी बेस्टो और शशांक सिंह और रिली रोसो, तो छह बैट्समैन आपके हैं। इन बैट्समैनों को दोस्तों आप लोग कप्तान कप्तान बना करके चल सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग ऑलराउंडर सेक्शन से बनाना चाहते हैं, एक बात का ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा ऑलराउंडर है जो दोस्तों पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में बॉलिंग कराता हो, अतः चार ओवर बॉलिंग कराने का मौका मिलता हो, आप दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर उन्हें बैटिंग करने का मौका मिल रहा हो और 30 से 40 रन बना दे। तो इस क्रम में दोस्तों सैम करन और रियान प्राग दोनों ही परफेक्ट हैं, दोनों को दोस्तों आप कप्तान कप्तान बना करके चल सकते हैं, उसमें आर अश्विन को भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर दोस्तों आप लोग बॉलिंग सेक्शन पर कप्तान कप्तान बनाना चाहते हैं तो बॉलिंग सेक्शन पर आप लोगों को हम बताते हैं, तीन विकेट वाला वाइस कैप्टन ही बन सकता है जो तीन विकेट लेता है, और चार विकेट वाला ही कप्तान बन सकता है। दोस्तों आप लोगों को ये बताते हैं, तो तीन विकेट चार विकेट कौन ले सकता है जो चार ओवर की बॉलिंग कराएंगे, उसमें दोस्तों यजवेंद्र चहल का नंबर है, अर्शदीप सिंह आ सकते हैं, हर्षल पटेल आ सकते हैं, राहुल चहर आ सकते हैं और संदीप शर्मा आ सकते हैं। तो इन खिलाड़ी को दोस्तों आप लोग कप्तान कप्तान बना करके चलेंगे। आज दोस्तों आप लोगों को किसको कप्तान किसको वाइस कैप्टन बनाना है, सो सेफ्टी जोन पर जा रहे हैं, तो दोस्तों सेफ्टी जोन पर तो आज दोस्तों सेफ टीम का कप्तान संजू सैमसन या सैम करन को बना सकते हैं, कुंभराज के कप्तान दोस्तों कप्तान। वही दोस्तों वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, हर्षल पटेल को ले सकते हैं, या दोस्तों यहां पर यजवेंद्र चहल को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अगर दोस्तों रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेने के शौकीन है, तो फिर चलिएगा शशांक सिंह को दोस्तों या यशस्वी जायसवाल को आप लोग कप्तान बनाएं, और दोस्तों यहां पर रियान पराग और या दोस्तों यहां पर जानी बेरेस्टो को वाइस कैप्टन बना दीजिएगा, दोस्तों 100% दोस्तों आपको सफलता मिलने वाली है। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप लोग कप्तान कप्तान बना करके चल रहे हैं, कप्तान कप्तान का गणित समझ रहे हैं, तो 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और हमारा वीडियो भी देखें आप सबसे पहले। और आपको एक जानकारी देते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर दोस्तों आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टॉस होने के बाद 10 मिनट बाद ही वहां पर आपको दी जाती है तीन प्रकार की टीम, एक होती है सेफ टीम, एक होती रिस्की टीम, एक होती फाइनल टीम, और जिस टीम से हम लाखों करोड़ों जीतते हैं वो भी टीम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर और चैनल के अबाउट सेक्शन पर मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण।